सिंपलीफाई करना है किसका, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सिंपलीफाई करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बनेगा दो तरीका से, तो मैं अभी दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट मेथड मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। सेकंड मेथड में थोड़ा सा तोड़ के आप का HW हो गया, यानी कि डू योर सेल्फ, आप खुद से करोगे, ठीक है। जो दिक्कत होगा वो कमेंट में पूछोगे और अपना अपना आंसर भेजोगे कि अब सेम पहला मेथड से मिला कि नहीं मिला, ठीक है। यानी कि तरीका कितना भी हो आंसर तो सेम आना चाहिए ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके उतारूंगा। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है कि इसको छेड़छाड़ करना है, यानी कि छूछा नहीं करना है इसको, इसको डायरेक्ट इसी में मानपुट कर देना है, भर देना है दो। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, या तो वही का वही रहने दो, ठीक है। अच्छा, फिर क्योंकि बुक में दिया है ना छोटी कोस्ट स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि राउंड ब्रैकेट, तो वही का वही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये है, अब देखिए ये का जो मान है वैल्यू है क्या है, पाँच है, तो एक जगह पर क्या दे देंगे, पाँच दे देंगे, क्लियर। ऊपर में देखिए दो है ना, यानी कि पावर में दो है, यानी कि स्क्वायर है, घात है तो दो है, तो दो दे देंगे, पाँच देगा तो पाँच दे देते, जो रहता है ना ऊपर में वो चिपका डालते, ठीक है। तो यहाँ पे ए है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, आपको इतना घसरा नहीं है समझाने के लिए करें, ठीक है। ए का मान पाँच है तो पाँच दे दिए, ऊपर में दो है तो दो दे दिए, फिर प्लस तो प्लस, फिर ए का मान पाँच है तो पाँच दे दिए, क्लियर। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, देखिए आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, फिर ऐसे नहीं कर देना है पंद्रह है तो कुछ नहीं तो एक गुना पाँच, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल पर ये सूट करता है, वेरिएबल यानी कि ए बी सी डी बना रहेगा ना तब, ठीक है। कोई तेईस लिखोगे फिर बोलोगे दो गुना तीन, फिर बोलोगे सर आप ही तो बोले दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, ये मैं बोला एक्स वाई की जगह पर, एक्स वाई जेड ऐसे करके रहेगा ना, ए बी रहेगा ना, पी क्यू रहेगा ना, तब बोला मैंने गुना, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी पर ये अप्लाई होगा, ठीक है, ए बी सी डी पर ये चालू होगा, अप्लाई होगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। बी का वैल्यू क्या है, माइनस थ्री है ना यहाँ पे ये वाला, तो माइनस थ्री दे देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, प्लस तो प्लस, फिर थ्री तो फिर थ्री, माइनस तो माइनस, फिर ए तो एक जगह पर, फिर वही पाँच पाँच, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, फिर बी बी के जगह पर माइनस थ्री माइनस थ्री, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, वही सब मैं देख के यहाँ पे उतार रहा हूँ, ठीक है। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी बोर्ड मास ये रूल लगेगा, तो देखिए क्या है, वी मतलब भी मतलब इन कूलम, यानी कि बार ब्रैकेट, तो किसी के ऊपर में स्टेप करेगा तो वो तो है नहीं, तो इसका ऑप्शन खत्म। हाँ, ब्रैकेट ब्रैकेट में पहले छोटी कोस्ट का यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का, राउंड ब्रैकेट का, उसके बाद करली वाला यानी कि मझली कोस्ट, ठीक है, मध्यम कोस्ट भी बोलते हैं इसको, या तो, और उसके बाद बिग ब्रैकेट का यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ी कोस्ट का। तो ये वाला है ना छोटी कोस्ट, यहाँ पे ऐसे करके देखिए ये है ना, तो इसके अंदर का प्रोसेसिंग करेंगे पहले, ठीक है। तो दो, फिर यहाँ पे देखिए बुनका दिए ना, ठोप दिए ना, बिंदु दिए ना, डॉट दिए ना, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, पाँच का दो, पाँच को दो बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस पाँच दिया पंद्रह, क्लियर। अच्छा, ये नहीं कि पाँच दुना दस, पावर में है ना, तो पाँच का पावर दो, तो पाँच गुना पाँच ना होगा तो पच्चीस में होगा, ठीक है, ये सब रफ है, ओके। प्लस तो प्लस, इसको भी वैसे का वैसा उतार देंगे, क्यों, इसको मैं क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले छोटी कोश का करिए, अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। फिर तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, तो ये बुनका वाला नहीं देखा, अब हम ऐसे बुला दिए, तो बात तो बराबरी हुआ ना, ठीक है। अच्छा, पच्चीस में से पंद्रह घटेगा तो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा, होगा ना, पच्चीस में से पंद्रह घटेगा तो पच्चीस में से पंद्रह घटेगा तो कितना हो जाएगा, दस होगा। ये हल्का हल्का है, इसलिए मैंने मन में कर लिया, आप पेन भी चला सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इजी को मतलब मन में कर लो, ठीक है, भारी भरकम वाला को पेन से चलाओ, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको ऐसे करके उतार देंगे। चलिए, ब्रैकेट तो खत्म हो गया, ब्रैकेट तो अब खत्म हो गया, ब्रैकेट का तो ऑप्शन खत्म हो गया। ओ यानी कि ऑफ यानी कि गुना, वो भी नहीं है, डिवाइड नहीं है, ऑफ लिखा रहेगा, वाइफ ऑफ हिंदी मीडियम में का नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई देखिए यहाँ ऐसे घसीएगा नहीं, आप सब नीट एंड क्लियर बनाना है, साफ सुथरा ऐसे करके नहीं, ये गोल ओवर मार देना ऐसे करके, ये सब नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना है, क्लियर।
यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 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 नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि शुरू में कुछ नहीं रहता है तो प्लस से रहता है, ठीक है। तो दूध है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस कट गया यानी उड़ गया, ठीक है। पाँच दिया पहले तो ये तीन उतारेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। पाँच या पंद्रह, पंद्रह देखिए फिर यहाँ पे इतना आ गया कहीं ना, तो प्लस 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 दो ढाई बीस हो गया, फिर प्लस तो प्लस तीन तो तीन, फिर माइनस माइनस प्लस पाँच या पंद्रह, क्लियर। अब सबको जोड़िए, बीस तीन तेईस और पंद्रह, तो तेईस पंद्रह, तेईस और पंद्रह को क्या करना है, जोड़ना है, कितना हो जाएगा, तेईस पंद्रह तो आठ और ये तीन अड़तीस हो जाएगा, क्लियर। बीस तीन तेईस और पंद्रह ऐसे हुआ ना, यहाँ पे जोड़े हैं अड़तीस, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, ऐसा रफ है, ठीक है, अड़तीस, क्लियर। क्या किया, हमको बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके यहाँ पर उतार लिया, फिर दो तो दो दे दिया, फिर एक जगह पर पाँच है तो पाँच दे दिया, ऊपर में स्क्वायर दे दिया, प्लस प्लस एक जगह पर पाँच दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, बी के जगह पर माइनस तीन दे दिया, फिर उसको उतार दिया, फिर मैं बोर्ड मास लगाया, ठीक है। दो तो दो गुना तो गुना, पाँच को दो बात तो पच्चीस, प्लस 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 माइनस पाँच या पंद्रह, फिर यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार दिया, फिर दो तो दो गुना तो गुना, पच्चीस में से पंद्रह गया तो दस आ गया, फिर प्लस प्लस इसको उतार दिया, फिर मैंने गुना का किया क्रिया, तो प्लस 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 दो दहाई बीस हो गया, फिर प्लस तो प्लस तीन तो तीन, माइनस माइनस प्लस पाँच या पंद्रह, फिर सबको जोड़ के अड़तीस आंसर।